जोहार साथियों, आज हेल्पिंग हैंड्स के साथ हम लोग पुनः सतखटिया गांव में जा रहे हैं। पीछे माताएं सर पर झोला लेकर आ रही हैं। 1 किलोमीटर पीछे आपको साफ दिख रहा है और सर पे माथे पर झोला भी आपको साफ दिख रहा है। यह इनका प्रतिदिन का क्रियाक्रम है। ये सदियों से इसी प्रकार दुर्गम पहाड़ों के रास्ते में ठोकरे खाते हुए अपने गांव में सामग्री लेकर आते जाते हैं। जोहार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एक बार हम लोग पुनः उस गांव के दरबार चौखट पर खड़े हैं, एक गुमनाम गांव। इसका हमने 2 पार्ट्स अपलोड किया था और दर्शकों की मांग थी कि पुनः उस गांव पर वीडियो बनाया जाए और इस बार बारीकी से उस गांव को दिखाया जाए। तो सबसे पहले आज हम लोग गोकुल मुखर्जी हेल्पिंग हैंड्स के माध्यम से आए हैं, कुछ सहायता कुछ सेवा के माध्यम से इस गांव में प्रवेश किए हैं। और मैं बस यही कहूंगा, इस वीडियो में आप लोग बने रहें और इस गांव को जानने की चेष्टा करें। यदि आप वास्तव में भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं तो इस गांव को जानना होगा, क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि क्या अंग्रेजों से हम जो आजादी ले लेंगे उसे खेतों तक, गांवों तक, किसानों तक, खलिहानों तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं। आज वास्तव में उनका वह डर सही साबित हो रहा है। सोच सकते हैं, इमेजिन कीजिए, भगत सिंह 23 वर्ष के युवा थे। उस वर्ष के युवा हाथों में गुलाब लेकर अपनी मासूका को प्रपोज करने के लिए खोजते हैं। उस समय में भगत सिंह कहते थे, चिंतन करते थे कि आजादी खेतों तक, गांवों तक, खलिहानों तक जा पाएगी कि नहीं। इसलिए आज यदि आप भगत सिंह के सपनों का भारत चाहते हैं तो पहले उनके सपनों को खोजना होगा। और उनका सपना खेतों में है, उनका सपना गांवों में है। आपको इस गांव में प्रवेश करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप इस गांव में चलें और जानें आज भी आजादी की बाद भी, आज आजादी के 75 साल बाद भी विकास की कोई किरण इस गांव तक नहीं पहुंच पाई। हमें विवेकानंद कहते थे कि यदि किसान का बच्चा, किसान का बेटा स्कूल कॉलेज तक नहीं जा पाता है शिक्षा हासिल करने के लिए, तो स्कूल और कॉलेज का कर्तव्य बनता है वो गांवों तक आए, खेतों की पगडंडियों को लांघते हुए और किसान के बेटे को शिक्षित करे। कि यदि गांव का बच्चा शहर नहीं जा पाता है शिक्षा हासिल करने के लिए, तो शहर को चाहिए वो चल कर आए गांव तक, किसान के बेटे को, गांव के बेटे को शिक्षित करने के लिए। देश के महान संत स्वामी विवेकानंद ऐसा कहते थे। आज उनका सपना भी अधूरा सा लगता है। देश के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियां सहते हैं उनसे पूछो आजादी के बारे में क्या कहते हैं। कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधियां सहते हैं उनसे पूछो वे 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। रेलवे स्टेशन में जो हजारों लोग रात को बिना चद्दर ओढ़े सो जाते हैं उनसे पूछो वे 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। आधा निवाला लिए पेट में जो रात भर सड़कों पर सो जाते हैं उनसे जाकर पूछो वे आजादी के बारे में क्या कहते हैं, वे 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। ये देश के महानतम प्रधानमंत्रियों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन था कि आजादी आज भी अधूरी है। वास्तविकता है, आज भी अफसरशाही और राजनीतिक लोगों ने इस देश को, इस राष्ट्र को कंगाल बनाकर रख दिया है। आज भी गांवों तक, खेतों तक, खलिहानों तक, शोषितों तक, वंचितों तक अधिकार नहीं पहुंच पाया है। आज भी सैकड़ों ऐसे गांव मिलेंगे अगर हम लोग खोजने जाएंगे और प्रयास करेंगे, जहां तक आज भी आजादी के बाद भी विकास की कोई किरण नहीं पहुंच पाई है। कितना दुख की बात है साथियों। और एक बात, इन गांवों में गिरिडीह क्षेत्र है, लोग कहते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और आपको बताना चाहेंगे जो लोग वीडियो में है दर्शकगण, कि मेरे साथियों हम लोग बिल्कुल एक जिगर के तहत इस वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। यहां अगर आप आते हैं तो आपको सर में कफन बांध कराना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग नक्सल गतिविधियों में हैं उनको लगता है कि कहीं हम लोग पुलिस के मुखबिर ना हैं, और जो लोग पुलिसिया विभाग में हैं उन्हें लगता है कहीं हमारा संबंध नक्सलियों से तो नहीं है। बस स्पष्ट कहेंगे, हमारा संबंध किसी से नहीं है, हमारा संबंध देश के सुरवीर महावीर भगत सिंह से है। और उनका सपना था, ए युवाओं, मेरे बाद खेतों तक, गांवों तक जो आजादी है उसे ले जाने का जिम्मा तुम्हारा है। तो मैं एक युवा हूं जो भगत सिंह को मानता हूं और मैं खेतों तक, गांवों तक उस आजादी की किरण ढूंढने जा रहा हूं। इसलिए मेरा संबंध किसी से नहीं है और ना ही मैं किसी का मुखबिर हूं। इसलिए साथियों वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे जगहों पर वीडियो बनाना बहुत ही जोखिम भरा काम है। हाँ, कहते हैं लोग कि नक्सल प्रभावित होने के कारण यहाँ विकास की किरण नहीं पहुंच पाती है, पर साथियों क्या आपने जानने का प्रयास किया है, ये भारत भूमि महात्मा बुद्ध की भूमि है जिसने सैकड़ों हत्याएं करने वाले अंगुलीमाल को हिंसक बना दिया। तो फिर आखिर हमारी सरकारों में क्या कमी रही कि आज भी नक्सल गतिविधियां अंजाम देती है। एक सीधा सा उत्तर देना चाहूंगा कि जिस देश में एक सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति 5 लाख रुपए प्रति माह कमाता है और एक व्यक्ति हाड़ मांस गड़ाकर 100 रुपए जुगाड़ नहीं कर पाता है, जिस देश में एक स्त्री को अपना देह व्यापार करना पड़ता है, उस देश में कोई लाखों रुपया बेईमानी से कमाता है, तो उस देश में नक्सलवाद कोई नई बात नहीं होगी। और आप
पूर्णता उनका विरोध भी नहीं कर सकते हैं जब तक असमानताएं रहेगी, जब तक मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आजादी रहेगी, ऐसी गतिविधियां देश में उत्पन्न होती रहेंगी। तो अगर चाहते हैं देश पुनः एक शांति के मार्ग पर चले, महात्मा बुद्ध के रास्तों पर चले, गांधी के मार्ग पर चले, तो सरकार को, सरकारी हाकिम जितने हैं उन्हें सबसे पहले सामाजिक व्यक्ति बनना पड़ेगा। क्योंकि नेताजी बोस ने कहा था, भारत की सभी समस्याओं का जड़ हल किया जा सकता है केवल और केवल समाजवाद की नीति। अब समाजवाद की नीति क्या है, हम लोग इस वीडियो में बने रहे, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आजादी की एक किरण लेकर हम लोग एक टीम के माध्यम से, हेल्पिंग हैंड्स के माध्यम से उस गांव में कुछ सामग्री लेकर प्रवेश कर रहे हैं। सामग्री लेकर जाने वाले लोग आगे जा चुके हैं, हम लोग वीडियो को पीछे से शूट कर रहे हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं कि कितना दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लोग मर मर कर अपना जिंदगी जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ा विकराल रास्ता है, अति दुर्गम क्षेत्र है। देश में जो भी असमानताएं हैं वह केवल और केवल समाजवादी नीति के माध्यम से ही संपन्न हो सकती हैं और सुधारी जा सकती हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि समाजवाद की नीति क्या है और उसके विपरीत में और कौन कौन सी नीतियां देश में चल रही हैं। सबसे पहले एक सामंतवादी, जिसे हम लोग साम्राज्यवादी भी कहते हैं, सामंतवादी नीति का मतलब है, उदाहरण लेते हैं कि खेत आपका है, आप मेहनत से फसल उगाते हैं और एक दिन कोई शक्तिशाली व्यक्ति लठेतों के साथ बंदूक लेकर आता है, कहता है फसल मुझे दे दो। देश में ऐसा हजारों सालों से होता आया है, आज भी कहीं कहीं होता है कि आप फसल तो आप उगाते हैं लेकिन कोई बलपूर्वक आकर उसे अपने कब्जे में ले लेता है। इसे हम लोग सामंतवादी या साम्राज्यवादी नीति कहेंगे। और एक होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी का अर्थ होता है कि आपकी फसल है लेकिन चूंकि आपको और भी अन्य साधनों की जरूरत पड़ती है और आपके पास पूंजी नहीं है, तब एक पूंजीवादी व्यक्ति आता है और पूंजी के लोभ देकर आपकी सारी फसलों को एक झटके में चट कर जाता है, जिसे हम लोग पूंजीवादी नीति कहते हैं। उसके बाद एक नीति होती है साम्यवाद, जिसकी कल्पना मार्क्स ने की थी, हालांकि दुनिया में वो नीति टिक नहीं पाई। उसका नियम था कि गांव में जितने सारे खेत हैं उन खेतों पर गांव के सभी लोगों का अधिकार होगा, सभी लोग समान मेहनत करेंगे और जो उत्पादन होगा सब लोगों में बांट दिया जाएगा, यानी किसी के पास कम नहीं होगा, किसी के पास अधिक नहीं होगा, और यह नीति टिक नहीं पाई। उसके बाद एक नीति आती है जिसे हम लोग समाजवाद की नीति कहते हैं और इस नीति की कल्पना नेताजी बोस भी करते हैं, भगत सिंह भी करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, पंडित जोड़े नेता हैं, वे लोग इस नीति की कल्पना करते हैं जिसे हम लोग समाजवाद की नीति कहते हैं, जिसे हम लोग समाजवाद की नीति कहते हैं। और इस नीति की कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, आजादी के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तमाम बड़े बड़े नेता इस नीति का अनुसरण करने के लिए कहते हैं। इस नीति का मतलब है, उदाहरण लेते हैं कि मान के चलिए हम सभी लोग खेती करते हैं, किसी का अच्छा फसल होता है, किसी का खराब होता है, तो जिसके पास फसल नहीं होता है और जिसके पास अच्छा फसल होता है वह जाकर अपने हिस्से का कुछ उसे देता है, क्योंकि उसके पास फसल हुआ नहीं है तो हम उसे अपने हिस्से का कुछ फसल देते हैं। और फिर मान चले अगला साल मेरा फसल ठीक नहीं होता है और पड़ोसी का फसल ठीक ठाक होता है, तब वह क्या करता है, अपना हृदय बड़ा करते हुए अपने फसल का हिस्सा मुझे ला कर देता है, यानी हम एक दूसरे की जरूरत में सहायता करते हैं, जिसे समाजवाद की नीति कहा जाता है। लेकिन आज देश में कहीं समाजवाद की नीति का अनुसरण नहीं होता है, लोगों को लगता है कि दुनिया कभी खत्म नहीं होगी, वे अजय अमर हैं, अपने लिए लाखों करोड़ों रुपए जमा कर रहे हैं और ना ही उसका उपभोग कर पाते हैं ना ही उपयोग कर पाते हैं। ऐसी सूरत में उन्हें अपना हृदय बड़ा करते हुए जो लोग मुख्य धारा से वंचित हैं, जो लोग मुख्य धारा से वंचित हैं, जो लोग अभाव में जिंदगी को जी रहे हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अथाव धन है, उस धन का कोई औचित्य नहीं है, आपका चार पांच पीढ़ी समाप्त हो जाएगा लेकिन धन का उपयोग नहीं हो पाएगा। अब जब आप ऐसी सूरत में किसी की सहायता करते हैं, किसी निर्धन की, किसी गरीब की, तो उसे समाजवाद की नीति कहते हैं और इसकी कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस करते थे और कहते थे कि इस नीति को लागू करना होगा। लेकिन आज भारत भले काले लेकिन वह समाजवाद की नीति से कोसों दूर है। दोस्तों यकीन कीजिए, ये उस सतगठिया गांव का मेन रोड है जिसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और उस गांव में जाने के लिए तैयार हैं। यह मेन रोड है, यकीन कीजिए, एक बार कल्पना कीजिए क्या एक गांव ऐसा भी होगा जहां ऐसी सड़कें होंगे। देखिए कहीं गिर ना जाए लोग प्रतिदिन, हम तो आज एक दिन आए हैं सो हमें क्या पीड़ा का अनुभव हो रहा है। सोचिए, कल्पना कीजिए, वे लोग सदियों से इस गांव में हैं और इसी रास्ते से प्रतिदिन गुजरते हैं। ये मुख्य रास्ता है, ये उस गांव का मुख्य रास्ता है, कोई बनावटी दृश्य नहीं है, ना ऐसे गांव को अपने सामने दिखा रहे हैं जो आज भी आजादी के बाद भी संघर्ष कर रहा है, दर दर की ठोकरे, दर बदर की ठोकरे खाता हुआ जी रहा है। ये मुख्य रोड, मेन रोड। दोस्तों यह भी जहां हम लोग खड़े हैं यह गांव का मेन रोड है, इससे लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। तो साथियों, आज आपको यदि भगत सिंह आपके हृदय में है, उन्हें
सच्चे शिद्दत के साथ मांगते हैं, पूछते हैं, इस गांव की दशा को देखनी होगी, इस गांव की पीड़ा को जाननी होगी, तभी आपके भीतर आक्रोश फूटेगा और आप क्रांति ला सकते हैं, आप क्रांति की चिंगारी बन सकते हैं। क्योंकि पंडित चाणक्य भी कहते थे, जो इंसान अपने से पहले दूसरों की सोचता हो, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता हो, वही इंसान भारतवर्ष का सम्राट बनना चाहिए। और भगत सिंह ने भी वही कहा कि वास्तव में मनुष्य वही जो दूसरों के दर्द को समझता हो, जो खेतों गांवों किसानों के दर्द को समझता हो। तो भगत सिंह को आदर्श मानने वाले वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि आपको भीतर जाकर गांव की दशा को देखनी होगी, आप भी वे किस सूरत में जी रहे हैं। अगर आप उस दर्द को देखेंगे, समझेंगे, तो संभव है आपके हृदय में क्रांति होगी और आप आज जो इस देश में विषमतावादी लोग हावी हैं, उनके खिलाफ शायद डटकर मुकाबला कर सके। तो साथियों, यदि आप हाशमी इमरान जी के फैन हैं, तो वीडियो पर स्किप करके निकल सकते हैं। और अगर शहीद आजम को आदर्श मानते हैं, तो आज इस गांव की दर्द को, इस पीड़ा को समझने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको गांव में जाना होगा। याद होगा जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, उन्होंने कहा कि फांसी ना देते हुए मुझे बीच चौराहे में खड़ा करके गोली से भुनवा दो। उनका मानना था कि शायद युवा मेरे दर्द को, मेरे बहते खून को, मेरी पीड़ा को देखकर आक्रोशित हो उठे, क्रांति की चिंगारी ले उठे और भारत को बहुत जल्द आजाद करा दे। ऐसा मानना था भगत सिंह का कि शायद मेरे दर्द को देखकर युवा गुस्से में आए और अंग्रेजों को उखाड़ फेंके। इसलिए अगर आप जब तक इस दर्द को नहीं देखोगे, इस गांव के आज की जो सरकारी सिस्टम है उसके प्रति आक्रोशित नहीं हो सकते हो। आज भारत देश में इन नेताओं का, इन अधिकारियों का बचाव करने का दौर नहीं है। आज उनसे बेमान, जो बेमानी के साथ अपने सत्ता का उपयोग कर रहे हैं, उनसे आंख से आंख मिलाकर बात करनी होगी। तो उससे पहले आपको भगत सिंह बनना होगा, और भगत सिंह बनना है तो आपको लोगों के दर्द से होकर गुजरना होगा, लोगों के दर्द तक जाना होगा, उन्हें देखना होगा। तो चलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से इस गांव में प्रवेश करते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग आगे इस गांव के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे साथियों, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वंदे मातरम, गांव किसान आबाद रहे। जय हिंद।